है जो राइड स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। साहब इस राइड को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे सस्ते वाटर पार्क में, जिसका नाम है रॉयल फन वर्ल्ड। और इसकी जो टिकट है हमने ले लिया, और इसका जो टिकट प्राइस है ये है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मंडे टू सैटरडे, और जो संडे को हो जाता है इसका 600 रुपए टिकट। अगर आप लोगों के पास अगर टाइम है तो कोशिश करें तो मंडे टू सैटरडे आए, और 100 रुपए बच जाएगी आप लोगों के। और इसकी जो लोकेशन है बुलंदशहर से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, और ये मेन हाईवे पे पड़ता है। और ये है हमारा वाटर पार्क जो खुल चुका है। क्यों अंश भाई, एक्साइटेड? मजा आने वाला है, मतलब लेकिन मजा आने से पहले मुझे बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, डर लग रहा है, बिकॉज मैंने इसकी वीडियो देखी है, इसकी जो राइडिंग है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हमने टिकट ले लिया, तो हम बाहर वेट क्यों कर रहे, तो अभी चलते हैं अंदर, और इसका लॉकर और कॉस्ट्यूम का क्या सीन है देखते हैं। दोस्तों फाइनली हम अंदर एंटर करने वाले हैं, और जो बैंड है वो मैंने अपने अपने हाथ में लगा लिया, और मैं अंदर एंटर कर चुका हूँ। और ये है भैया, भैया क्या कहना चाहते हो इस पार्क के बारे में? हमारे यहाँ काफ़ी इंजॉय है, इंजॉयमेंट है। हमारे यहाँ राइड्स हैं, 17 राइड्स हैं, और स्विमिंग पूल, वेव पूल है, साइक्लोन है, देन ग्राउंड है काफ़ी लंबा चौड़ा। हमारे यहाँ बाहर से फील्ड से बच्चे भी आते हैं, कई स्कूलों के बच्चे आते हैं, कॉलेजों के बच्चे आते हैं। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट और सबसे फेवरेट जो राइड है वो कौन सी है, जो लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? या हमारे यहाँ पर जो है राइड्स साइक्लोन, साइक्लोन ऊपर से दो बंदे ट्यूब में बैठ के आएंगे और नीचे फ्लाइट करेंगे डायरेक्ट पानी में, पूल में। ओके, बहुत ही काफी एंजॉयमेंट है, अच्छा डेली चिल्ड पानी है, बहुत ही मजा। तो दोस्तों इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और चलते हैं क्या करने? ओके ओके एंजॉय। तो दोस्तों चलते हैं का आगे की तरफ, और देखेंगे आगे का नजर, और हमें कौन कौन सी जो राइड्स है वो देखने को मिलेगी। और करते हैं सबसे पहले कौन सी राइड, इंद्रजीत साहब बताएंगे पहली राइड कौन सी होगी हमारी। पहले राइड हमारी ये वाली होगी जो सबसे खतरनाक लग रही है सामने। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हो सबसे डेंजरस लग रही है, बाकी होपफुली देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों वैसे तो अंदर का जो डेकोरेशन है काफी अच्छा और काफी वेल मेंटेन किया हुआ है, साफ सुथरा दिख रहा है यार, मजा आने वाला है दोस्तों। बिल्कुल जा रही है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, और हमने क्या ले लिया, कॉस्ट्यूम। मैंने नहीं लिया, ये कॉस्ट्यूम मेरा है, और भाई साहब ने लिया कॉस्ट्यूम। बिल्कुल, और इस वाटर पार्क के कॉस्ट्यूम लेना आपके लिए अनिवार्य है, जिसका प्राइस ये है कि 100 रुपए कॉस्ट्यूम का पड़ता है, और 50 रुपए नौकर का, और 150 रुपए सिक्योरिटी डिपोजिट करनी पड़ती है, जो आपको चार्जेस में वापस मिल जाएगी। क्या कहना चाहते हैं इंद्रजीत साहब मजा आने के बारे में? लोकेशन तो बहुत अच्छी है, काफी साफ सुथरा कर रखा है, और चेंज कर लिया आपने? चेंज कर लिया, ये देखो कॉस्ट्यूम दिख नहीं रही आपको। तो दोस्तों चलते हैं इंद्रजीत, आंसर लग रहा हूं मैं। तो दोस्तों चलते हैं इंद्रजीत साहब के साथ, कहां पहले लॉकर सामने? ओ हां, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना जो सामान है लॉकर में रखेंगे, देन आफ्टर चलेंगे। इस बार मैं इसको मंगलसूत्र नहीं बना सकता, इस बार मैं पहना बैंड, इस बार इसको ये बैंड बना के रिप्रेजेंट करने वाला हूं, बहुत आने वाला है आज तो। तो दोस्तों फाइनली हमने जो अपना सामान है वो लॉकर में रख दिया है, और अब जा रहे हैं आगे की तरफ। आप कैसा लग रहा है इंद्रजीत साहब? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन वाटर पार्क मुझे लगा, और दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन छोटा वाटर पार्क बड़ा धमाल कह सकते हैं, और इसकी जो राइडें हैं बहुत खतरनाक देखने में लग रहे हैं, लेकिन मजा तो बहुत आने वाला है। और अंदर आते ही हमें दिखाया कैंपिंग फॉल, जो काफी बड़ा काफी अच्छा लग रहा है, और अभी आपको एक एक करके राइड दिखाने वाले हैं। और कुछ कहना चाहते हो इंद्रजीत साहब? वो तो अभी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट। तो सबसे पहले कौन सी राइड करना चाहते हो आप? पहले आप लोगों को सारी राइड दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग राइड करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो लोकेशन है, यहाँ पे आपको बहुत सारी राइड देखने को मिल जाएगी। मोस्टली यहाँ पे जो राइड है वो बच्चों की, आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं राइड, और आप देख सकते हैं अंडा वाला पानी, और कितना मजा आया दोस्तों जैसे ये पानी गिरा, वाओ। अभी हम इसका जो लुक्त है, जो एंजॉयमेंट है, जो मजा है, इंद्रजीत साहब के साथ क्या करने वाले, लेने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसके बाद कहाँ चलने वाले हैं? आगे की तरफ। और इससे पहले मैं आपको इसके अंदर एक मगरमच्छ दिखाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों मगरमच्छ, देखो मगरमच्छ ऊपर आ गया। ओ ये तो मगरमच्छ ऊपर आ गया, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं डर ही गया था। ओ भाई मगरमच्छ, 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 मगरमच्छ। मैं मगरमच्छ के साथ क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ।
भी आप नहा सकते हो। इसका तो पानी है बहुत ज्यादा, क्या है ठंडा है। बिल्कुल पड़ेगी, ये लेजी स्लाइड है और इस स्लाइड में आपको पीछे से एक धक्का लगाने वाला होना चाहिए। आप पड़े रहोगे, एक बंदा धक्का लगा रहा है और एक बंदा उसमें बैठा हुआ है, फिर उसके साथ कोई था नहीं। आप देखोगे यहाँ पे तो स्लाइड ये बड़ों के लिए है, एक दो और ये तीन, ये तीनों बड़ों के लिए स्लाइड। आप देख सकते हो ये वाली जो स्लाइड है थोड़ी सी डेंजरस है और ये थोड़ी कम डेंजरस है और ये आप कह सकते हो मीडियम है। तो गाइस ये सब यहाँ की राइड्स हैं जो किड्स के लिए हैं और एडल्ट्स के लिए भी हैं। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं जहाँ पे वेव पूल बना हुआ है जो काफी खूबसूरत और बहुत शानदार। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सबसे खतरनाक वाली जगह पे, ये है स्विमिंग पूल यहाँ का जहाँ पे बहुत ही खतरनाक वेव आती है, बहुत मजा आता है। क्यों भाई? तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त वेव पूल, इसकी जो वेव्स है बाकी जितने भी वाटरफॉल है उनके मुकाबले बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो फाइनली हम आपको बताने वाले हैं इस राइड के बारे में और यहाँ की जितनी भी राइड है काफी डेंजरस और काफी खतरनाक, काफी यूनिक है। ओह माय गॉड, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जिस पे बैठे हुए हैं इसकी जो राइड है काफी खतरनाक राइड है, आप देख सकते हो। तो क्या कहना चाहते हैं आप, इन्फॉर्मेशन दो। इस वाटर पार्क की सबसे खतरनाक जो स्लाइडिंग है वो इतनी सारी है और जो देख के हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, लेकिन करेंगे जरूर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसको कहते हैं बूम रैंगो और ये यहाँ की सबसे डेंजरस स्लाइड है, उसके बाद इसका नंबर आता है। ये देखिए बिल्कुल खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बस बंदा गया। और इंद्रजीत साहब क्या कहना चाहते हो इस स्लाइड के बारे में, डरते हो ना इस स्लाइड से? ये स्लाइड तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। और ये जो स्लाइड है इसके लास्ट वाली ये भी सबसे खतरनाक है, ये वाला हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इसमें से खाली हम दो करेंगे, एक तो ये वाला और दूसरा सबसे फर्स्ट वाला। क्यों भाई? भाई ये दोनों डेंजरस है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, अभी पता चल जाएगा करके। तो देखो मुझे बहुत इजी लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितना डेंजरस होगा, मजा तो बहुत आ रहा है भाई। तो दोस्तों जो चीज इजी दिखती है जरूरी नहीं है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा इजी हो। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे राइड का जो अपना मजा है वो अलग ही होता जाएगा। जो आप देख सकते हो ये एंजॉय करता हुआ हमारा इंद्रजीत साहब। नहीं नहीं पानी डर लगता भाई, मेरे पानी डर लगता। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाली जो राइड है ये फ्री फॉल राइड है और काफी डेंजरस राइड है। तो दोस्तों वो है पेंडुलम, इसको हम करने वाले हैं और आप देख सकते हो। और इस राइड को करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। और हमारे इंद्रजीत साहब कौन सी राइड करने वाले हैं? इंद्रजीत साहब हम ये वाला करने वाले हैं, क्या बोलते, पेंडुलम। पेंडुलम करोगे? यस यस पक्का, बिल्कुल पक्का, क्योंकि इन सब में मुझे देख के हालत खराब हो रही है, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो फिर हार्ट अटैक आना। अरे ऐसा मत बोले यार, इसलिए मैं करूंगा ही नहीं। ये वाली नहीं कर रहे जो मेरे साथ करने वाले थे। तो दोस्तों इसके साथ ये जो राइड है वो करने वाले है और आपको जो एक्सपीरियंस है वो बताने वाला है कैसा होने वाला है। जो एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है, अभी रुक जाओ बस एक मिनट और अपना नंबर आने वाला है। तो दोस्तों हमारे इंद्रजीत साहब बैठे हुए हैं और ये अपनी जो स्लाइड है ट्यूब वाली स्लाइड उसका इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा रश बढ़ चुका है। और क्या कहना चाहते हो, डर लग रहा है? नो, आज मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने पहले भी स्लाइड ये वाली की हुई है, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। बाकी देखते हैं कैसा होने वाला है, अभी कुछ कह नहीं सकते, पता चले बाद में डर लगने लगे। तो दोस्तों थोड़ा सा डर तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं ये जो राइड है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अरे ये भैया ने कहा कि डर नहीं लगेगा आगे बैठ जाओ, लेकिन मेरी फटी जा रही है आगे बैठने में, चोरे जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही। हाँ ठीक है, तो मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है लेकिन डर मुझे ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं सबसे आगे बैठा। मजा तो आ रहा है, नहीं तो ज्यादा लगा तो डर गए, उतना डर नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है बस। ये क्या मजा आएगा भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई। ओ भाई साहब मजा आ गया भाई। उठा के ये स्लाइड करते हो रहा है।
और इसके हिल गई एकदम से। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजेदार मजेदार, मुझे तो लगा बहुत डेंजरस होगा। रास्ते में सेकंड चेंज हो गई थी तेरी, उन्होंने कहा था पलट जाएगा, करने के बाद मजा आ गया। सिंपल राइड है, डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। कह सकते कि करने लायक है, वो अच्छा एक्सपीरियंस है इसका अभी तक। बाकी जब आ रहा था इसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया था भाई, उन्होंने डरा दिया था। मैं क्या बताऊं, अबे पता नहीं ये डर क्यों जाता है। अबे करके देखो जब लगे क्या डर लगे। इन्होंने ये बोला था अगर आप इसको दबा के रखोगे ना तो ये जो आपकी स्लाइड है वो पलट जाएगी। कोई नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस था इस वाली राइड का वो मैंने आपको बता दिया है, और एक दो आते हैं उनसे भी उनका जो एक्सपीरियंस वो लेते हैं और जानते हैं। देन आफ्टर उसके बाद हमारे इंद्रजीत साहब इस राइड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो मैं इससे जबरदस्ती करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस राइड के बाद हम चलेंगे दूसरी वाली राइड पे, शायद मैं पेंडुलम करूं फर्स्ट टाइम। एक्चुअली दो बार मैं गया हूं कहां, वाटर पार्क, बट मैंने पेंडुलम एक बार भी ट्राई नहीं किया। पेंडुलम करने वाले हैं ये, झूठ बोल रहा है। आप लोगों ने एक बार पेंडुलम किया लेकिन अब दोबारा से करेंगे। अरे ना, वो पेंडुलम नहीं था, वो थी ट्यूब वाली स्लाइड। पेंडुलम तो आप बिल्कुल सामने देख सकते हो, वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल अभी पेंडुलम करते हैं। रेडी स्टेडी एंड गो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो राइड है इनके बीच क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन। और ये राइड कंप्लीट होने के बाद जानेंगे इनसे इनका क्या एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आप देख सकते हो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट का लेवल वो कूद कूद के भरा हुआ है। और ये इनका फर्स्ट टाइम, ओह माय गॉड। और ये जो राइड स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो चेहरे पे इनके बच्चे हैं क्या मारा, ओह माय गॉड। और जानते हैं इनसे इनका क्या एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस रहा मैडम, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। डर तो नहीं लगा? एक बार और करने का इरादा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो फन भी हो रहा है और मजा भी आ रहा है। और चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट राइड की तरफ। जी है साइक्लोन राइड, और इन अंकल ने हमें इसको सजेस्ट किया था। पहले तो मैं जा नहीं रहा था, डर लग रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा से कैमरा लेके आया हूँ, दोबारा से करेंगे इसको। राइड जंपिंग, और ये भाई साहब आ रहे थे, हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई थी करने के, लेकिन ये भाई साहब करते हुए आ रहे हैं। आजा 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 भाई, आजा। कैसा लगा भाई, मजा गया? इन्होंने क्या कभी मजा आया, क्योंकि हम लोगों की हिम्मत नहीं करते कि मैं करने वाला हूँ। बोलो सुनाते हो, बोलो बोलो। बहुत मजा आया भाई, वाटर पार्क में एंजॉय करके, प्लेन कार में। हम तो उनसे भाई आए। तो दोस्तों, वेव पूल स्टार्ट होने वाला और काफी ज्यादा हमें मजा आने वाला है, क्या कहने जा रहे हैं भाई? जब से वेव आए तब से एकदम मजा आ रहा है कि पूछो मत। और ये तो लहरें ऐसे बहुत खतरनाक लग रहा है। ये जब से वेव आई है तब से अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ का, और बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है।
और ये जो राइड है मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ, हमारे पीछे इंद्रजीत साहब और जा रहे हैं नीचे की तरफ थोड़ा। अब देख सकते हो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह भाई मजा आ गया। पहले तो मैं इधर तो ये भैया जा रहे हैं स्लाइड पे, हम लोगों की हिम्मत तो नहीं हुई थी करने की, लेकिन ये भैया जा रहे हैं करने के लिए। ओके बाय। बस पैर ऊपर रखना, पैर ऊपर रखना, नहीं ऊपर नहीं रखना, बड़ा हैवी वजन है रखना।